स्कूल वालों बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं किया गया। वो अपना जिस तरह चल रहे उस तरह चल रहे ने, कोई उन्होंने एनुअल चार्जिस या कोई फीस वालों कोई उन्होंने छूट नहीं दी कि रीएडमिशन डिवेलपमेंट चार्जिस वो कहते लैने मैं जे कहते जे नहीं दोगे तो बच्चे ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाने, ऑनलाइन क्लासा भी बंद की हुई हैं कि पढ़ाने ही नहीं गए, जो मर्जी कर लो कहते तुम फीस दोगे तो ऑनलाइन बच्चा ऐड कर लेंगे नहीं तो नहीं करा। बेटी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ पर स्कूल की फीसा जरूर जमा कराओ, थोड़े को है या नहीं है तुम चोरी करके लियाओ अपना गोल्ड बेच के लियाओ सानू फीसा जमा कराओ, असी घंटा दो घंटे ऑनलाइन पढ़ावे तो लिखती रूप से सर्टिफिकेट देवे। डिवेलपमेंट फीस मांग रहे हैं की डिवेलपमेंट हो रही दसो, कोरोना की डिवेलपमेंट कर रहे स्कूल की, बट हूँ जो रवैया स्कूल अपना रहा है बहुत ही गलत है। उन्होंने साफ तौर पर जो नवे सैशन उन्होंने तो बच्चों डिटेन कर दिया गया है, चाहे वह वबली स्कूल के नाम नहीं कटे गया लेकिन उन्होंने ऑनलाइन क्लासिस नहीं बैठन दिता जा रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं, बार बार फीस देने लिए कह रहे हैं कि साढ़े पुरानी जी फाइल्स है बंद हो चुकी ने, असं उन्होंने लिए कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा तो ज़्यादा असं तुम्हें पांच इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं, इस तो ज़्यादा साढ़े हाथ वाथ कुछ नहीं है। जब साढ़े बच्चे जो असं बनाए थे सानू थोड़ी पता सी करोना आएगा, नहीं तो असं शायद वो सारा संभाल के बच्चों लिए रख लेंगे कि उन्होंने स्कूल का ढिड भर सकेंगे। असं प्रशासन के कोऑपरेशन की गल करिए देख लो मेरे अठ महीने तो डीसी ऑफिस के कार्रवाई चल रही है, मैं मेल से मेल इन्हों डाल रही हूँ, पिछली बार सितंबर के एग्जाम्स के भी बच्चों डिटेन किया गया सीगा। डीसी ऑफिस वालों यही कहा जाता है कि जो भी करेगा स्कूल करेगा, कोई किसी का कोई फाइनैशियल क्राइसिस नहीं सुने जा रहे, कोई किसी की मजबूरी नहीं देखी जा रही, पेरेंट्स मजबूर हो चुके हैं सड़कों पर आने जब डीसी जलंधर के यह ऑर्डर हो सकते हैं कि कोई एक्सट्रा फंड नहीं लिता जाएगा तो डीसी लुधियाना क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मेरी तो एक भी गल इन्होंने सुनी नहीं भी अगर जलंधर के अगर हो सकता है तो अपने लुधियाने शहर के भी होना चाहिए है। हम दसो जी असं पहले ही बड़ी मार दे विच बैठे हैं, हर एक चीज़ के प्रूफ मांग रहे हैं, मैं दसो जी किहड़े किहड़े प्रूफ इन्हों नूं दवां। देखो असं हाई कोर्ट भी चले गए, असं सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स के फेवर दे विच ऑर्डर भी करता, सरकार उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। वो किन्ने वड्डे शिक्षा माफिया किन्ना ताकतवर होएगा कि सरकार भी उन्हें अगे बोनी है। साढ़े शिक्षा मंत्री एक बेबस लाचार ने, डरपोक शिक्षा मंत्री मैं कहूँगा, तो तुहानू अस्तीफा दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री जी। तुसी बयान दे दें तो औपचारिकता पूरी हो जाती है, स्कूल वाले कहते जाओ यार शिक्षा मंत्री जो कहता करी जाए, जाओ शिक्षा मंत्री को फीस माफ करा लो। तुसी अपने सरकार वालों उन्होंने इन्ना मजबूर नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दो। जलंधर के डीसी साहब ने सीधे तौर पर ऑर्डर किए स्कूलों कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है जो सुप्रीम कोर्ट कहता। लुधियाने के डीसी साहब की आत्मा मैं जगाण आया सी एक कंजका नाल लैके, लेकिन इन्हों नू कोई तरस नहीं आया। मैं तुहानू दिखाना वा मैसेज लोगों के उन्हां पेरेंट्स से उन्होंने तुम आके मिले, तुम इतने आके बैठो डीसी साहब को, इतने बैठ के सारे स्कूल वाले बुलाओ, तुहानू एनुअल चार्जेस और बिल्डिंग फंड नहीं मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इन बिन लागू करांगे। जे तुसी ये नहीं करा सके तो कितने ना कि बॉडी लैंग्वेज सानू दसदी है कि तुसी कित्थे बोल दो, किद्दां बोल दो, किस मकसद नाल बोल दो, तुसी छड़ दो, तुसी रिजाइन कर दो। जे तुसी नहीं करा सकते रिजाइन कर दो, तुहानू रिजाइन करना पएगा, लोग तुहानू कोल रिजाइन लैणगे और पेरेंट्स तुहानू कदी माफ नहीं करनगे।
सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं कल्पना तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हाँ। इस टाइम मौजूद हाँ लुधियाना दे डीसी दफ्तर दे बाहर, ते डीसी दफ्तर दे बाहर ही अज जो तस्वीरां निकल के सामने आ रहीआं ने हर किसी नूं एक वारी फिर सोचण नूं मजबूर कर देणगीआं। बिल्कुल ये उही पेरेंट्स ने, उही समाज सेवी ने जो लगातार पेरेंट्स नाल जुड़ के पेरेंट्स दे मुद्दे चुक रहे ने। गल हो रही है पिछले एक साल तो फीस दे मुद्दे नूं लै के पेरेंट्स नूं राहत नहीं मिल रही है, पेरेंट्स लगातार खज्जल खुआर हो रहे ने, हर वारी मजबूर हो के उन्हां नूं सड़कां ते उतरना पैंदा, अपनी मंग लैके जी प्रशासन तक अपनी मंग जी पहुँचानी पैंती है। फिलहाल जो कोरोना के केसिस वधदे नज़र आ रहे हैं, लगातार धारा 144 लागू हुई है, उसके चलते फिर भी जिहड़े पेरेंट्स ने एक होर राह लभ्या, उन्होंने भी सोचा सी भीड़ भी नहीं करांगे पर प्रशासन को जगाउण की जी है कोशिश भी करांगे। तो ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो छोटी कंजक, इस दे नाल ही तुहानूं जो बच्चे नज़र आएंगे किस तरीके नाल जो कंजक के रूप के अज डीसी दफ्तर बाहर पहुंचे हुई हैं क्योंकि कोरोना के केस वध रहे हैं। गल हो रही है कि धारा 144 लागू है, लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, अपनी मंग जी है पहुँचा नहीं सकते, पर फिर भी पेरेंट्स वालों ये राह चुनिया गया, उन्होंने भी भीड़ नहीं की, ये तरीका जो लभ्या है। सर की लगता है अज जो तुसी डीसी साहब के इतने पहुंचे हो नाल कंजक लैके पहुंचे हो, अज की मुद्दा सी की गल जी है प्रशासन के कन्ना तक पहुँचाना है? देखो असी हाई कोर्ट भी चले गए, असी सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स के फेवर के ऑर्डर भी करता, सरकार उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। वो किन्ने वड्डे शिक्षा माफिया, किन्ना किन्ना ताकतवर होएगा कि सरकार भी उन्हें के बोनी है। साढ़े शिक्षा मंत्री एक बेबस लाचार ने, डरपोक शिक्षा मंत्री मैं कहूँगा, कि जिहड़ा इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकता, अपने जो लोगों के जिन्होंने तुहानूं वोटां पाईआं ने, जिन्हां बच्चों ने तुहानूं तुहाडे कोल तुसीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिंदे हो, तुसीं अज तुसी उन्हां दे हक्कां लई नहीं काम कर सकते, तो तुहानूं अस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी तुसी बयान दे दिंदे हो तो औपचारिकता पूरी हो जाती है, स्कूल वाले कहते जाओ यार शिक्षा मंत्री जो कहता करी जाए, जाओ शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री को फीस माफ़ करा लो। क्यों तुसी सरकार हो, सरकार च बैठे लोग हो, तुसी अपने सरकार वालों उन्होंने इन्ना मजबूर नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दो। आ देखो जलंधर के डीसी साहब ने, जलंधर के डीसी साहब ने सीधे तौर पर ऑर्डर किए स्कूलों कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है जो सुप्रीम कोर्ट कहता, जे उस तो अलावा कोई भी मतलब स्कूल वाला ये तो फीस नहीं ले सकता, ना बिल्डिंग फंड ना एनुअल चार्जिज। लेकिन लुधियाने के डीसी साहब दी आत्मा मैं जगा आया सी, एक कंजकां नूं नाल लैके ये बेटियां ये बच्चियां आईया ने कि लुधियाना के डीसी साहब तुसी एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और ताड़ी आत्मा ते जिहड़ा बोझ है वो जो पोलीटिकल प्रैशर है वो मैं बोझ लाण आया सी, एक कंजकां दे शायद ताड़ी आत्मा पसीज जांदी और तुसी इन्हां स्कूलां वालिआं नूं बुला के सीधे तौर पर इन्हां नूं सीधे तौर पर ऑर्डर कर दे कि नहीं वो नहीं होएगा जो तुम चाहते हो, उ होएगा जो कानून चाहता है। इसलिए जो इंसान हाई कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार को जाके हार जाता है तो वह कितने जाएगा, वो देवी की शरण च जाएगा, हर युग से होंदा आया, अज असी भी देवी की शरण च हैं, पेरेंट्स देवी की शरण च है। ये महिषासुर ने, यह सिंबोलिक है, असुर ने, ये असुरां ने जुलम कर रहे हैं। तुम देखो करोना किन्ना छोटा दुकानदार मारता, लोगों दी नौकरियां गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोग NPA हो गए, बैंक डिफाल्टर हो गए, लेकिन इन्हां नूं कोई तरस नहीं आया। उस तो बाद तुसीं स्कूल बच्चों स्कूलों से परेशान कर रहे हो, उन्होंने डिटेन कर रहे हो, उन्होंने कहना कि इन्हां दी ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, इन्हां दी एनुअल चार्जिज, इन्हां दे बिल्डिंग फंड जब नहीं देंगे जब तक असीं इन्हां नूं अंदर नहीं आन देंगे, इन्हां दी ऑनलाइन क्लासिज नहीं होणगियां। वालों लगातार मनमानी की जा रही, बीते दिन सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला का बयान आता है, उन्होंने वालों गल कही जाती है कि हूँ जो स्कूल वाले मनमानी करते हैं या उस तो इलावा जो कोरोना महामारी के पेरेंट्स का साथ नहीं देंगे, जो पेरेंट्स इन्नी मजबूरी के ने उन्होंने भी लैके जो तंग परेशान करते हैं तो स्कूल की NOC रद्द कर दी जाएगी, की लगता है इंप्लीमेंट हो पाएगा? सिंगला साहब ने मैं एक सवाल करना चाहना कि तुम लुधियाने के किन्ने स्कूलों की NOC रद्द की है? मैं तुम्हें दिखाना वा मैसेज लोगों के, उन्होंने पेरेंट्स से उन्होंने तुम आके मिले, तुसी इत्थे आके बैठो डीसी साहब को, इत्थे बैठ के सारे स्कूल वाले बुलाओ, उन्होंने कहो भाई तुहानू एनुअल चार्जेस और बिल्डिंग फंड नहीं मिलेगा,
जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इन बिन लागू करांगे। जे तुसी ये नहीं करा सके तो किते ना किते ताड़ी बॉडी लैंग्वेज सानू दसदी है कि तुसी कित्थे बोलदे हो, किद्दां बोलदे, किस मकसद नाल बोलदे हो। मैं तुहानू यही बेनती करदा हां कि तुसी एक अच्छे परिवार तो बिलोंग करदे हो। ताडे पिता जी संत राम सिंगला जी मैं बहुत अच्छी तरह जानदा, बड़े संत सीगे उह, तुसी उहनां दे पासगुवार भी नहीं हो। तुसी छड्ड दिओ, तुसी रिजाइन कर दिओ। जे तुसी नहीं करा सकते रिजाइन कर दिओ, तुहानू रिजाइन करना पएगा, लोग तुहानू कोल रिजाइन लैणगे। और इसलिए इस करके असी इहदी रणनीति तय कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि सिंगला साहब को रिजाइन किदां कराना है। ये ना सोचो कि अज तुसी करोना दे कारण सानू इत्थे लॉकडाउन लगा होया है, राती करफ्यू लगा होया है, और असं चार बंदे तों बाद इकट्ठे नहीं हो सकते। तुसी सानू इन्ना मजबूर करता कि असी अपने जुल्मां दे खिलाफ़ बोल भी ना सकीए, अपने जुल्मां दे खिलाफ़ एजुटेशन भी ना कर सकीए। तुसी इदां दे काम ना करो, ये तुहाडे लई अशुभता दा कारण है। तुहानू लोग जवाब मंगणगे, इलैक्शन आन दिओ, वेट कर रहे हैं। जो इलैक्शन आए तुहानू दसांगे, वो पेरेंट्स दसणगे, सिंगला साहब तुहानू सरकार नूं दसणगे कि असी तुहानू माफ़ नहीं करांगे। जो जुल्म तुसी करोना दे दौरान करोना दी आड़ च जो साडे नाल कीते है वह माफ़ नहीं होणगे, और पेरेंट्स तुहानू कदी माफ़ नहीं करनगे। सर की लगता है पिछले साल तो ही एक साल हो गया करोना महामारी करके कारोबार काफ़ी मंदी की मार झेल रहे हैं, स्कूलों वालों कितना का कोऑपरेट किया गया? स्कूलों वालों बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं किया गया, वो अपना जिस तरह चल रहे उस तरह चल रहे हैं। कोई उन्होंने एनुअल चार्जिस या कोई फीस वालों कोई उन्होंने छूट नहीं दी, जिमें चाह रहे उवें ही कर रहे हैं कि रीएडमिशन डिवेलपमेंट चार्जिस वो कहते लैने। मैं क्या इस वक्त सर साडा काम कर नहीं इन्ना, प्लीज़ सानू छड़ दो थोड़ा कि रीएडमिशन या डिवेलपमेंट चार्ज थोड़े जो है छड़ दो, नहीं असी पूरे लैने हैं। जे कहते जे नहीं दोगे अभी थोड़े बच्चे ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाने, तो ऑनलाइन क्लासा भी बंद की हुई हैं कि पढ़ाने ही नहीं गए, जो मर्जी कर लो। कहते तुम फीस दोगे तो ऑनलाइन बच्चा ऐड कर लेंगे, नहीं तो नहीं करा, बस ये कहना बेटी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ फिर स्कूल की फीसा जरूर जमा कराओ। थोड़े को है या नहीं है तुम चोरी करके लियाओ, अपना गोल्ड बेच के लियाओ, सानू फीसा जमा कराओ, असी घंटा दो घंटे से ऑनलाइन पढ़ावे तो लिखती रूप से सर्टिफिकेट देवे, होर कुछ नहीं। उन्होंने कोई मतलब नहीं है, डिवेलपमेंट फीस मांग रहे हैं, की डिवेलपमेंट हो रही दसो, करोना की डिवेलपमेंट कर रहे हैं स्कूल की, कुछ नहीं, बस एक ही उन्होंने नारा है तुम बेटी पढ़ाओ ना पढ़ाओ ना बच्चा जा ही नहीं रहा, फिर साड़िया फीसा जरूर जमा कराओ। होर भी पेरेंट मौजूद ने, असीं उन्हां नाल भी गलबात कर लैंदे आ। मैम की लगता है कि जो लगातार स्कूल वालों मनमानी की जा रही है करोना के पीरियड के विच, हर किसी ने कारोबार ने मंदी की मार झेली है, फिर वो किसी का भी कारोबार होवे, स्कूल ने किन्ना कोऑपरेट किया? मेरे हिसाब ना स्कूल ने कोऑपरेशन ये जरूर की है कि पिछले साल बच्चों की क्लासेस लगिया ने, चाहे ऑनलाइन लगिया ने या व्हाट्सएप पर लगिया ने, बट हूँ जो रवैया स्कूल अपना रहा है वो बहुत ही गलत है। उन्होंने साफ तौर पर जो नवे सैशन है उन्होंने तो बच्चों डिटेन कर दिया गया है, चाहे वह वर्बली स्कूल के नाम नहीं कटे गया लेकिन उन्होंने ऑनलाइन क्लासिस नहीं बैठन दिता जा रहा है, उन्होंने ग्रुप कोई होमवर्क नहीं भेजा जा रहा है, समा वो डिटेन्ड ही कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि हूँ तो कोऑपरेशन कर ही नहीं रहे, मोर ओवर प्रेशराइज कर रहे हो, बार बार फीस देने लिए कह रहे हैं कि साडे पुरानी जिहड़ी फाइल्स आ बंद हो चुकी ने, असं उन्होंने लिए कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा तो ज़्यादा असं तुहानू पंज इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं, इस तो ज़्यादा साडे हाथ वाथ कुछ नहीं है। कोई सिंपथी के आधार पर कोई केस नहीं कंसीडर किया जा रहा, जो उन्होंने असी अपनी प्रॉब्लम्स दसन की कोशिश कर रहे हैं, सानू फाइनैशियल क्राइसिस की है तो कह रहे हैं तुहाडे एसेट्स है, एसेट्स असी अज बनाए हैं, उन्होंने कहने बनाए है, जब साडे बच्चे जो असी बनाए थे सानू थोड़ी पता सी करोना आएगा, नहीं तो असी शायद वो सारा संभाल के बच्चों लिए रख लेंगे कि उन्होंने स्कूल का ढिड भर सकांगे। असी हले भी जो बच्चों लैके जो धमकियां भी दे रहे हैं एक तरीके जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं बच्चों दिए, मैं ये भी सुने कि काफ़ी पेरेंट्स वालों भी गल कही जा रही कि बच्चों जो ऑनलाइन क्लासेस तो भी कट दिता जा रहा, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाए, किस तरीके वेख दो इस प्रशासन का कि जरा कोऑपरेशन पेरेंट्स मिल रहा है? प्रशासन के कोऑपरेशन की गल करिए देख लो, मेरे 8 महीने तो डीसी ऑफिस के कार्रवाई चल रही है, मैं मेल तो मेल इन्हों डाल रही हूँ, पिछली बार सितंबर के एग्जाम्स के भी बच्चों डिटेन किया गया सिगा, मैं उस उदो कार्रवाई पाई सी, उदो डीसी ऑफिस के वो ऑर्डर होने करके बच्चों के एग्जाम्स ले लिते गए सी, फाइनल एग्जाम्स भी लिते गए, लेकिन हूँ इस तो बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीसी ऑफिस वालों यही कहा जाता है कि जो भी करेगा स्कूल कह दिता है जी असी साढ़े हाथ बस कुछ नहीं है, असी इन्ना कोई सब की माफ़ कर बैठा तो कि माफ़ करा, कोई किसी का कोई फाइनैंशियल क्राइसिस नहीं सुने जा रहे, कोई किसी की मजबूरी नहीं देखी जा रही, पेरेंट्स मजबूर हो चुके हैं सड़कों पर आने। मैम थानू भी कितने ना कितने ये चीज़ लगती है कि ऑर्डरस तो आ जाते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तो हो हाई कोर्ट तो हो, पर उन्होंने जी इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाती इतने, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये लगन ना लगन की कोई गल ही नहीं है, कद के ऑर्डर आए हुए हैं, कद के पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जे
सिर्फ ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन की गल होंगी तो पेरेंट्स में इन्हें प्रोटेस्ट करने की लड़ क्यों होंगी। जब डीसी जलंधर के ये ऑर्डर हो सकते हैं कि कोई एक्सट्रा फंड नहीं लिता जाएगा तो डीसी लुधियाना क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वह एक कड़ा कदम नहीं लै सकते, सारे स्कूलों के नकेल नहीं डाल सकते हैं। सर पिछले एक साल तो पेरेंट्स इसे तरीके स्कूल फीस मुद्दे को लैके खज्जल खुआर होंगे नजर आ रहे हैं, पिछले एक साल कि जरा स्कूलों वालों कोऑपरेट किया गया। देखो जी मैं तो पिछले 8 महीनों तो लड़ाई करता पिया वा, मेरी तो एक भी गल इन्होंने सुनी नहीं। एज पर मैं देखा जाए सारे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर करके जाई जाते हैं, पर इतने असी यह भी देखते पे ने भी इन्हों कोई नकेल पाने कोई नहीं, हले तक कोई रूल नहीं पास किया गया। डीसी साहब तो असी यही मंग की सी भी अगर जलंधर के अगर हो सकता है तो अपने लुधियाने शहर के भी होना चाहिए है। और अज की डेट के मैं ए लगता जी पेरेंट्स हर पास्यों की बेबस होया होया है, तो मैं चाहना भी ये डीसी साहब कोई इदा का एक्शन लैन जो कि यह प्रिंसीपल भी है चाहे उन्होंने ट्रस्टी ने चाहे उन्होंने टीम मैंबर ने चाहे टीचर ने, एक्चुअली इन्हों सारे एज पर वो कहें जी सानू पिछू ऑर्डर आए हैं या उन ट्रस्टी ऑर्डर दिता है या उन्होंने प्रिंसीपल ऑर्डर देंगे ने। मैं तो यही चाहते हैं एज पर जो भी ये इन्हों पेरेंट्स ने पेरेंट्स की इन्हों की जो भी मजबूरियां ने वो समझी जान, जो हूँ तक इन्हों काम कार साढ़े पेरेंट्स के मेरे असी हर चीज़ के देखते हैं भी हर एक घर के काम की प्रॉब्लम हो गई है, हर कोई फ्री हो चुके हैं, उन्होंने फाइनैशियल क्राइसिस आ चुके हैं, उन्होंने देखते दे हुए ये साढ़े तो यही चाहते ने भी ये असी इन की कोई हैल्प नहीं करनी जो हूँ तक असी देखते दे आ रहे हैं। हूँ तक तो असी यही देखा वा भी इन्होंने साढ़े को प्रूफ मंगने शुरू करते हैं, तुम सानू प्रूफ करो भी प्रूफ असी दसो कि करिए भी कि दसो कितने चक चक के लैके जाइए भी साढ़े कारोबार ठप हो चुके ने। ये सानू ये कहें भी ये साढ़े वह तुम स्टेटमेंटा लियाओ रिटर्न लियाओ, हूँ दसो जी असी पहले ही बड़ी मार दे विच बैठे हैं, हर एक चीज़ के प्रूफ मंग रहे हैं, मैं दसो जी किहड़े किहड़े प्रूफ इन्हों देव। बिल्कुल, तो असी गलबात की पेरेंट्स नाल, इस दे नाल ही समाज सेवी ते आरटीआई एक्टिविस्ट कीमती रावल जी जो इतने पहुंचे सन, तो आखिरकार इन्ने लंबे इंतजार तो बाद जो जो एडीसी वालों जो बुला भी लिया गया अंदर, तो फिलहाल जो वालों जो मंग पत्र से वो जो एक्सैप्ट कर लिया। पर इतने सोचने वाली गल ये कि काफ़ी लंबे समय तो पेरेंट्स वालों इस तरीके फीस मुद्दे को लैके जी जंग लगातार छिड़ती नज़र आ रही है, पर एक साल हो गया, एक साल के बावजूद भी जो हले तक पेरेंट्स को स्कूल फीस को लैके जी कोई भी राहत नहीं मिली, जिस चलते पेरेंट्स को हर वारी ही खज्जल खुआर होना पैंदा इसे तरीके नाल अपनी मंग जिहड़ी प्रशासन के कन्नां तक पहुँचाने लई हर तरह के जिहड़े यतन कोशिशां करनियां पैंदियां ने, पर एक कदों तक इसे तरीके नाल चलेगा ये देखण वाला होएगा। कैमरामैन मनीष दे नाल कल्पना, वेखदे रहो सिटी हैडलाइन।